गूगल फॉर्म में बहुत सारे बच्चे कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर लास्ट के 5 महीने बचे हैं, अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर गेट 2022 एग्जाम, सर कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए और हम इफेक्टिवली प्रिपरेशन कैसे करें। इसका सिंपल आंसर है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करना है। अब लास्ट के 5 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में आप कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे उसका प्लान रेडी करो। जो हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनको कंप्लीट कोर्स से खत्म करो, जो लोएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है उनको क्रैश कोर्सेज से कंप्लीट करो। कोचिंग मटेरियल ज्यादा पढ़ो कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक को तभी आप छूना जब आपको ऐसा लगता है यार ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, तब स्टैंडर्ड बुक को ओपन करना। नहीं तो अगर आप सारे सब्जेक्ट स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे तो सही समय पर सिलेबस खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है सिलेबस कंप्लीशन वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। दिसंबर में आपको 3 काम करना है, जो सिलेबस आपने खत्म किया है, जो सब्जेक्ट आपने खत्म किया है उसको आप रिवाइज करो आपके नोट से। सेकेंड, जो आपने रिवाइज किया है अब उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। अच्छा, मेजॉरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिसंबर में खत्म करना है, ठीक है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सब्जेक्ट का आप टेस्ट सीरीज भी दे दो ताकि आपको पता चले कि आपका ज्ञान गेट लेवल जितना है या नहीं, और अगर नहीं है तो वापस से पीछे जाओ और जो कॉन्सेप्ट्स वीक है उनको वापस पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, इससे आप इफेक्टिवली रिवाइज प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस अपना चेक कर पाओगे। और लास्ट जो आपको जनवरी में करना है, दैट इज गिविंग टेस्ट सीरीज। ऑल्टरनेट डेज आपको टेस्ट सीरीज देना है, पहले दिन टेस्ट सीरीज देते हो तो सेकंड डे एनालाइज करो कौन से कॉन्सेप्ट्स में मैंने मिस्टेक किया, और वो कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो अपने नोट से, अपने वीडियोस वापस देख लो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग करो। जो भी वीक कॉन्सेप्ट्स है उनको स्ट्रांग करो, जहां पर भी कमी है उसको बेटर बनाओ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, और जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ कठिनाई आपको दिखाई देगी। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, सर हमारा तो फाइनल ईयर एग्जाम है। हाँ, तो उन डेट्स को मार्क करो क्योंकि वहां पर आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आपके प्रिपरेशन आवर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और ये लास्ट के कुछ महीने है यार, वनवास भोग ही लो। जो भी आपके सुख के दायरे है कि सर मुझे संडे आराम चाहिए, सर मुझे मूवीज देखना है, सर मुझे लाइव मैचेस देखने हैं, इसको त्यागना पड़ेगा। अब तो सितंबर में आपका आईपीएल भी आ रहा है, ठीक है, उसको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। इधर अगर आपको मजा करना है तो फिर आप गेट 2023 पर फोकस करो, और अगर आपको मजा नहीं करना है तो अभी थोड़ा सजा भोग लो, बाद में मजा कर लेना, सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं वो है हेल्थ। अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैंने प्रीवियस ईयर बहुत सारे बच्चों को देखा कि अंत में आते आते जनवरी में किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी का पेट खराब हो गया है, किसी का बदन दर्द कर रहा है, किसी का नेक दर्द कर रहा है, और इस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, रिवाइज नहीं कर पा रहे। अरे तो क्या फायदा हुआ, इतने महीनों का जो आपने पढ़ाई किया वो सारा जीरो हो गया, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट फोकस्ड ऑन दी हेल्थ। सो हेल्थ इज दी रूट, इस पर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। 15 मिनट मेडिटेशन कर लो यार, 15 मिनट थोड़ा सा योगा कर लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो यार, 15 मिनट थोड़ा सा बाहर जाकर के वॉकिंग कर लो, आधा घंटा भी वॉकिंग कर लो, बस हो गया, आधा से एक घंटा ज्यादा नहीं डिमांड कर रहा हूं, ठीक है, ये कर लो। और अपने सेहत को भी मेंटेन करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डेली जिम जाओ, बट मेक श्योर आप फिजिकल हार्डवर्क करते हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है लास्ट 5 महीने में, और कॉमेंट करके जरूर बताना हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग। टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।